आज मैं आप लोगों के साथ नवरात्रि में माता के भोग का प्रसाद हलवा चना और पूड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से आप लोगों के लिए ट्राई किया है, ट्रेडिशनल है और बहुत ही इजी है। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना एकदम ना भूलिए। ये देखिए। हेलो एवरीवन, आई एम ममता एंड वेलकम टू कुकिंग डिलाइट। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली सभी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चने को मैंने रात भर भिगो के रखा है, ब्राउन चना है जिसको काला चना बोलते हैं, और इसको हम प्रेशर कुक करेंगे। तो कम से कम इसे 7 से 8 विसल के लिए हमें प्रेशर कुक करना है मीडियम फ्लेम में। तो ये मैंने डाल दिया है पानी, और पानी बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, चना सा थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालूंगी और हल्दी, और इसे प्रेशर कुक करने के लिए हम रख देंगे। इसमें कुछ भी बेकिंग सोडा वगैरह डालना मुझे पसंद नहीं है, और ये ऐसे ही काफ़ी अच्छे बनते हैं। ये देखिए, और इसको मैंने रख दिया प्रेशर कुक होने के लिए। आइए तब तक वो प्रेशर कुक हो रहा है, हम यहाँ पे हलवा की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून देसी घी लिया है, और इसको हल्का सा गर्म होने के बाद मैं इसमें 1 कप या 1 कटोरी, जो बाउल आप सेट करना चाहते हैं उससे, मैंने 1 कप सूजी ली है। और इसको अब हल्का सा इसे रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं लाना है, हल्का एक लाइट ब्राउन शेड आने पर हलवा का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, हल्का सा मेरा ये कलर आ चुका है। अब मैं इसमें शुगर डालूंगी, तो यहाँ मैंने 1/2 कप शुगर लिया है, और इसको भी आप मिक्स कर लीजिए। और इसमें मैं डबल पानी डालूंगी, तो 2 कप यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। बहुत इजी है, हलवा में कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही सिंपल ये तरीका होता है हलवा बनाने का। बस ये मिक्स होने के बाद जब तक इसका पानी हल्का सा ड्राई ना हो जाए, इसको आप कंटिन्यूसली स्टर करते जाइए। और ये देखिए, पानी हमारा हल्का सा सूख गया, अभी थोड़ा सा इसमें पानी बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पर इलायची पाउडर डालूंगी 1/2 टेबलस्पून से 1/4 टीस्पून, और थोड़े से चॉप्ड नट्स डालूंगी। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बहुत लोग हलवे को सिंपल बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैं इसमें हल्का सा फ्लेवर ऐड करना पसंद करती हूँ, और एंड में मैं इसको फिनिश करूँगी 1 टेबलस्पून घी के साथ। बस घी डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और अब ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है। जब घी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए तो आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, और ये हमारा जो हलवा है एकदम रेडी है। आइए, चना हमारा बॉईल हो चुका है, मैं इसके लिए अब मसाला रेडी करती हूँ। तो यहाँ मैं सरसों तेल में बढ़ाऊँगी, तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है, और उसमें 1 टेबलस्पून मैं ज़ीरा डाल दूँगी, और 1 बेलीफ डाल दूँगी तेज पत्ता, और उसके बाद मैं स्लिट किया हुआ ग्रीन चिली डालूँगी 3 से 4, और उसके बाद मैं इसमें चॉप्ड टोमेटोज डाल दूँगी। मैंने 2 टोमेटो लिया है, उसको फाइनली चॉप कर लिया है। उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे ताकि जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद मैं यहाँ रेड चिली भी डाल रही हूँ, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद कोरिएंडर और क्यूमिन पाउडर का जो मिक्स है वो डाल दूंगी, और इसको आप मिक्स दे दीजिए हल्का सा। और जो हमारा टमाटर है वो भी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। इसे मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर गरम मसाला डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, और इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है रोस्टेड जीरा पाउडर का, इसको आप ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। और इसमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम रेडी है, इतने मसाले इसके लिए इनफ है। तो मुझे थोड़ा सा जो मसाला है वो ड्राई लग रहा है, तो जो हमने पानी निकाल के रखा था चने का वो मैं थोड़ा सा डाल दूंगी, और इसको हल्का सा कुक होने दूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह से कुक हो जाए टमाटर के साथ। ये देखिए, तेल अलग हो चुका है, और अब हम इसमें जो हमने चना बॉईल करके रखा था उसको मिक्स कर देंगे, और इसको आप अच्छी तरह से स्टर कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, और ये ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा अगर आपको ड्राई लगे चना, ताकि आप थोड़ा सा हल्का सा इसमें ग्रेवी चाहते हैं, ग्रेवी भी नहीं बोल सकते, हल्का सा, बहुत ड्राई नहीं चाहते, तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं चने वाला। बस इसे मैं ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि अच्छे से कोट हो जाए चने में मसाला। ये देखिए, मैं हल्का सा इतना कंसिस्टेंसी रखना चाहती हूँ अपने मसाले का बस। और ये मैं इसको फिनिश करूँगी कोरिएंडर लीव से, इसे आप मिक्स कर दीजिए, और ये आपका इंस्टेंट बहुत टेस्टी और टैंगी चना रेडी है।
बस इसे भी आप अलग रख लीजिए। आइए अब हम इसको फ्लेम ऑफ कर दीजिए और हम पूड़ी की तैयारी करते हैं। यहाँ मैं आटे से जो गेहूं का आटा है उससे पूड़ी नहीं बनाने वाली हूँ। मैं इन्हें यहाँ पर सिंघाड़े का आटा लिया है और उसमें मैं 1 कप उबला हुआ आलू डालूंगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर अजवाइन डाल दूंगी और थोड़ा सा सॉल्ट। डालने के बाद इसे आप मिक्स कीजिए, ये देखिए, और उसके बाद हम इसका एक सख्त सा हार्ड सा डो रेडी करेंगे। जैसे पूड़ी के लिए आप नॉर्मली आटा गूंथते हैं वैसा ही कंसिस्टेंसी, उतनी ही हमें हार्ड इसका आटा चाहिए, इसका लगाना है आटा। बस ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका हार्ड सा डो रेडी करेंगे। ये देखिए रेडी है। इसको कम से कम मैं 5 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि जो हमारा सारा मिक्सचर है वो अच्छे से गूंद हो जाए। बस ये रेडी है। इसके बाद मैं पूड़ियाँ बेल के रख लूँगी, ये देखिए, और पूड़ियाँ मैंने बेल के रख चुकी हूँ। और आइए अब हम इसको फ्राई करते हैं, ये देखिए। और तेल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए तब आप पूड़ियों को डालें। और इसे जो सिंघाड़े की आटे की पूड़ी है वो बहुत जल्दी कुक नहीं होती है, तो आपको थोड़ा मीडियम हाई फ्लेम में इसको कुक करना है। और इसका फ्लेवर भी थोड़ा डिफरेंट होता है, बट ये बहुत हेल्दी और बहुत डिफरेंट पूड़ी की रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो ये ऐसे ही करके मैंने अपनी सारी पूड़ियाँ फ्राई कर ली हैं, ये देखिए, और कितने अच्छे से फूल रही हैं और कितने अच्छे से हमारी पूड़ियाँ बन रही हैं। अगर आपको आटे को बेलने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, इससे जो आपकी पूड़ियाँ हैं वो नॉर्मली बेल जाएंगी। बट मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, मेरी पूड़ियाँ काफ़ी अच्छी बनी हैं। तो ये देखिए, और ऐसे करके आपने सारी पूड़ियों को निकाल लेने हैं, ये देखिए, और ये हमारी पूड़ियाँ भी बेलकर रेडी हैं। आइए अभी उनको सर्व करते हैं। तो इसे सर्व कीजिए हलवे के साथ, और जो हमने टैंगी चटपटा चना बनाया था उसके साथ इसको सर्व कीजिए। और अष्टमी और नवमी में माता के भोग में से ज़रूर चढ़ाइए। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही मेरी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो।